दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। लॉकडाउन में रामानंद सागर वाली रामायण ने टीवी पर 33 साल बाद वापसी की है। पब्लिक खूब देख रही है, आई एम श्योर आप भी देख रहे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रावण का रोल करने वाले जो एक्टर हैं अरविंद त्रिवेदी, वो घर बैठकर टीवी पर अपना सीता हरण वाला एपिसोड देखते हुए नजर आ रहे हैं। जब वो सीन खत्म होने की ओर आता है तब अरविंद हाथ जोड़ लेते हैं जैसे सीता हरण के लिए माफी मांग रहे हों। जो वो वीडियो है वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अरविंद त्रिवेदी मशहूर गुजराती थिएटर आर्टिस्ट उपेंद्र त्रिवेदी के भाई हैं। उन्होंने बलराज साहनी की फिल्म पराया धन से हिंदी फिल्मों में अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था। आगे वो जंगल में मंगल, प्रेम बंधन और हम तेरे आशिक समेत कई फिल्मों में नजर आए। और 1987 में जब रामानंद सागर रामायण बना रहे थे, इसमें उन्होंने अपने पिछले शो विक्रम और बेताल की ही ज़्यादातर एक्टर्स को साइन किया था और अरविंद भी उन्हीं में से एक थे। इंटरेस्टिंग बात उनके बारे में ये है कि 1991 में उन्होंने बीजेपी की टिकट से गुजरात की साबरकांठा सीट से चुनाव लड़ा और सांसद बन गए। अरविंद त्रिवेदी के फिल्मी करियर की अगर बात करें तो कुल 250 से ज्यादा फिल्में इनके खाते में आती हैं हिंदी और गुजराती मिलाकर। मशहूर फिल्म मेकर और देवानंद के भाई विजय आनंद ने जब वैचारिक मतभेद की वजह से 2002 में सेंसर बोर्ड चेयरमैन का पद छोड़ा था, तब अरविंद को ही कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। अब इनकी उम्र 84 साल है। कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन में जब रामायण दोबारा टीवी पर लौटा तो इसने टीवी के पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है और बीते 5 सालों में ये सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला हिंदी एंटरटेनमेंट शो बन गया है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क की रिपोर्ट के मुताबिक दूरदर्शन अब देश का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल बन गया है। 27 मार्च तक टॉप 10 में भी दूरदर्शन नहीं था, लेकिन बार्क ने बताया कि पिछले हफ्ते दूरदर्शन को सबसे ज़्यादा देखा गया है और शाम और जो सुबह देखने वाली जनता है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बाकी ये वीडियो यहीं तक, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कमेंट्स हैं तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे और वीडियोस के लिए कीप फॉलोइंग द ललन टॉप। शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुँचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉप।